10 companies of paratroopers have been deployed to Delhi's borders as farmers continue their march towards Delhi. So 10 companies of paratroopers deployed to the various borders of Delhi. Sanjay Rathore is still with us. Sanjay, 10 companies of paratroopers deployed at various borders? Okay, I think we've lost Sanjay Rathore there. Let me bring in Mahinder Mahi, though, who also is with us. Mahinder, 10 companies of paratroopers deployed? देखिए, अगर बात करें नोएडा के चित्तौड़ से, तो यहाँ सुबह से ही तमाम आला अधिकारी है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स है, ब्लॉक कमांडो है, खुद ज्वाइंट जो कमिश्नर है वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं चांसेस है नोएडा से दिल्ली करने का, सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो बॉर्डर है वो दिल्ली का ये खिल्ला बॉर्डर है, और अभी भी सुबह से लेकर अब दोपहर का वक्त होने वाला है, इस वक्त भी तमाम जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, तमाम एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं, और मुश्किल हो रहे हैं, किसी गाड़ी में किसी बस में कोई किसान संगठन का कोई नेता तो नहीं है, कोई कार्यकर्ता तो नहीं है। तस्वीर में एक बार आपको दिखा था, दोपहर का वक्त है, और उसी तरीके से अभी भी जो तमाम अधिकारी, तमाम जो ब्लैक कमांडो है, आपको सड़कों पर नजर आए तो जो गाड़ियों की रफ्तार है वो बिल्कुल है, सुबह से ही जो तमाम राज्यों के जो बॉर्डर है, खासकर दिल्ली से सटे जो बॉर्डर है, तो ये इसी तरह का रफ्तार है देखने को मिलेगा, क्योंकि चाहे हम चिल्ला बॉर्डर की बात करें, डीएटी की बात करें, या करणगंज की बात करें, हर जगह चेकिंग की जा रही है, कोई भी किसान दिल्ली का उठना करना। बता दें कि सुबह के वक्त भी तकरीबन 3 सप्ताह रहती गाड़ी जिनके ऊपर किसान आंदोलन का या किसान संगठन का स्टिकर लगा था, उनको बकायदा रोका, उनके स्टिकर को हटाया, उसके बाद उनको दिल्ली नहीं जाने दिया, उनको वापस नोएडा भेज दिया गया। वही बात करें तो जो सेंसिटिव एरिया है, यानी कि दिल्ली जो चिल्ला का बॉर्डर का, यहाँ ड्रोन कैमरे की सहायता ली जा रही है, यानी कि कुछ ऐसे लोगों पे भी निगरानी बनाए रख रहे हैं जो दिल्ली जाना चाहते हो अलग तरीके से, यानी कि टैक्सी में ड्रॉप करके उन पे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर ऐसे वाहन जो विशेष तौर पर पुलिस रोक कर उनकी जाँच कर रही है, उनका जो वहाँ अंदर बैठे उनका आधार कार्ड जाँच कर रही है, पेपर जांच कर रही है। आपको बता दें कि दोपहर का वक्त कहा गया था, जिस वजह के बाद पूछ करेंगे उसको देखते हुए, दिल्ली के जो तीनों बॉर्डर, खासकर नोएडा से कटे जो तीनों बॉर्डर है, चाहे करणगंज की बात करें, डीएनडी की बात करें, या चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तमाम विभाग पर तमाम सुबह से ही सुबह सागर से जो अधिकारी है वो मौजूद है। अब तक यहाँ कोई भी संगठन का कोई भी किसान दिल्ली नहीं जा पाया, दूसरी तरफ दिल्ली का इलाका पड़ता था, वहाँ लोहे की जो पील होती है वो लगाया गया है, कांटे की जो तार होती है वो वहाँ बिछाया गया, खास तौर पर सीमेंट की बैरिकेडिंग होती है, जो हाइड्रा है, जो ट्रेन है उसको था जो रास्ते में लगाया जा रहा, ताकि कोई भी किसान ट्रैक्टर टोली लेकर अंदर ना जा सके। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.